हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर YouTube चैनल होता क्या है, YouTube चैनल बनता कैसे है और कैसे बनाए बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल फ्री में। जी हां दोस्तों, YouTube चैनल बनाने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल आसान तरीके से आप YouTube चैनल बना सकते हैं, वो भी केवल आपके फ़ोन से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कभी भी आपकी ईमेल आईडी बनाई है तो आप उससे भी आपका यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, या फिर कभी अभी आपने कभी भी ईमेल आईडी नहीं बनाई है और आप प्रेजेंट टाइम में अभी आप फ़ोन लेके आए हो तो भी आप आराम से ईमेल आईडी बना सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन भी नहीं है फिर भी आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो तब भी आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आया आपको थोड़ा बहुत भी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप आराम से कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं आपका कमेंट का बहुत ही आसानी से उसका जवाब दूंगा। और मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए या फिर उसका वीडियो बनाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई हेल्प यानी हेल्प होगी आपके लिए या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको समझाने वाला हूँ, कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो आपका भी कोई पैसा नहीं लगेगा, आप आराम से फ्री में यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और आप बनाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम YouTube चैनल पर आना चाहते हैं, YouTube पर पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप भी आपके पास जब आप शुरुआत करो, वो बोलते हैं ना कि जब शुरुआत करे वहीं वेस्ट सन टाइम। ओके, तो अभी चलते हैं अपने या तो लैपटॉप स्क्रीन चलेंगे और आप सेम प्रोसेस आपके फ़ोन की स्क्रीन में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, प्रोसेस वही सेम रहता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मेन लैपटॉप पर, वहाँ पे पूरा प्रोसेस समझेंगे। सो दोस्तों, आ गए हैं अपन अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, यहाँ पे मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको। उससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं कि आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। फर्स्ट नंबर, आपके पास एक फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन आपके पास नहीं है तो आप किसी भी आपकी फैमिली का फ़ोन नंबर ले सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास एक फ़ोन होना ज़रूरी है एंड्रॉयड, वो भी आप आपका फैमिली का किसी का भी ले सकते हैं YouTube चैनल बनाने के लिए। और तीसरी बात, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपको बनानी है ईमेल आईडी और उससे आपको YouTube चैनल बना के दिखाऊंगा मैं आज इस वीडियो में। ओके, और अगला प्रोसेस रहेगा अपना कि आप कैसे अपने YouTube चैनल को यानी पूरा सेटअप कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैं साइन अप कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर में मैंने खोल रखा है। अगर आपके पास फ़ोन है तो यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा, जैसे मेरे यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, इससे जस्ट यहाँ पे साइड में आपको थ्री डॉट दिखाई देगा, वहाँ से क्लिक करोगे तो नीचे आपको डिस्कटॉप साइड और बॉक्स का चिन्ह दिखाई देगा, जिस तरह से स्क्रीनशॉट दे रहा है। जिस तरह से आपको डिस्कटॉप सब जब करोगे आप, तो सेम ये लैपटॉप में मैं जैसे प्रोसेस कर रहा हूँ वैसे सेम आपके पास आपके फ़ोन में आएगा। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लगाए। ओके, तो ये कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे नीचे आ रहा है ऑप्शन करेक्ट ए अकाउंट। ओके, तो करेक्ट ए अकाउंट कर लेना आपको। यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आएगा, फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम माई चिल्ड और फ्रॉम मैनेज माई बिजनेस। तो आपको केवल अगर आप बिजनेस के लिए बनाना चाहते हो तो बिजनेस कर सकते हैं, फ्रॉम माई सेल्फ के लिए करना चाहते हो फ्रॉम माई सेल्फ कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं अपने फ्रॉम माई सेल्फ के लिए करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि खुद के लिए बना रहा हूँ। ओके, अगर आप चाहते हो मैं यूट्यूब के मेरे मेन बिजनेस के लिए बनाना चाहता हूँ तो आप बैक ले लीजिए। बैक लेने के बाद जैसे आप बैक जाओगे तो यहाँ पे वापस इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे बिजनेस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, बिजनेस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम जो भी आपका यूट्यूब चैनल का नाम लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। जो भी आप रख लीजिए कोई भी यूट्यूब चैनल का नाम आप, तो वही आपके सामने यहाँ पे शो होगा। तो फर्स्ट नाम कैसे रखते हैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने फर्स्ट तो लिखा है इमित्र और यहाँ पे दूसरा लिखा है सेंटर। दोस्तों आपको थोड़ा बहुत म्यूजिक का यानी सुनाई दे रहा होगा आवाज़, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैंने जैसे इमित्र सेंटर यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक तो ईमेल आईडी ये आ गई है। दूसरी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे इनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास भी सेम इसी तरह से शो होगा। एक तो आ रहा है सेंटर इमित्र और कुछ नंबर लिखे आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है इमित्र सेंटर। ओके, तो मैं और ये सेंटर इमित्र, तो मैं इमित्र सेंटर रख लेता हूँ। ओके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पासवर्ड के लिए बोला जा रहा है कि आप पासवर्ड बनाइए, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ। आप भी कुछ इस तरह से बनाइएगा, फर्स्ट आपका जो नाम है वो बड़ा रखिएगा, फिर छोटा नाम रखिएगा, फिर कोई भी आप चाहे तो
एट द रेट डॉट कुछ भी लगा के लास्ट में आप जो अपने मैथ के कोई भी अंक लगा दीजिएगा, ओके, गणित का कोई भी अंक लगा दीजिएगा, एक से लेकर 9 तक, 0 तक कोई भी, ओके, तो उसके बाद में आपका पासवर्ड बन जाएगा। जो आप यहाँ पे लिखो वही सेम यहाँ पे लिखना होगा आपको। तो मैं बना लेता हूँ अपना। अगर आप दोनों लगाने के बाद अगर आपने ठीक से दोनों सेम लगाए हैं तो आपको दोनों कन्फर्म बताएगा। अगर आपने दोनों में कोई मिस्टेक कर दी लगाने में तो यहाँ पे पॉपअप आपको सामने आ जाएगी या रॉन्ग है, आपने दोनों मैच नहीं कर रहे हैं और आपने गलत पासवर्ड लगाया है, ओके। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके शो भी कर सकते हो कि आपने क्या पासवर्ड लगाया है। उसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर पूछेगा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है। आपको यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लगा देना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, चाहे वो आपका खुद का ना हो, आपके फैमिली का, किसी भी कैंडिडेट का हो, तो आप किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। मैं जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर पे जो भी मैंने मोबाइल नंबर लगाया है उस पे OTP आएगा। मैं यहाँ पे OTP दर्ज करूँगा, जो कोड आएगा वो कोड यहाँ पे दर्ज करना होगा। आपने भी जो मोबाइल नंबर लगाए थे उस पे OTP आने के बाद आपने जो भी कोड आए वो आपको एंटर कर देना है और यहाँ पे डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना। अगर आपने ठीक से लगाया होगा तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन खुल गया है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिकवर ईमेल आईडी। तो रिकवर ईमेल आईडी का मतलब है अगर भविष्य में आपने जो ईमेल आईडी बनाई है वो आपकी गुम हो जाती है, ओके, गुम हो जाती है आपकी ईमेल आईडी और आपको पता नहीं है कि आखिर कैसे इसको वापस लाएं, तो आप रिकवर ईमेल आईडी लगाकर आपकी जो ईमेल आईडी प्रेजेंट टाइम में आपने जो बनाई है उस पर आप रिकवर कर सकते हो उस ईमेल आईडी को। तो यहाँ पे आपको रिकवर ईमेल आईडी कोई भी ईमेल आईडी लगा देनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं लगा देता हूँ। आप किसी की भी ईमेल आईडी लगा सकते हैं, ओके, फैमिली के अंदर किसी की भी ईमेल आईडी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगा देना है, ओके, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे आप जेंडर यानी कि मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा, ओके, तो यहाँ पे यस आई एम इन, ओके, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरी इसकी जो भी इसकी कंडीशन है उसको एग्री करते हुए आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे एग्री करोगे तो इसका अगला ऑप्शन खुल के आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी बताया आपने लगाया उसका फर्स्ट नाम यहाँ पे वो शो हो जाएगा। जैसे मैंने ई मित्र लगाया तो ई को ऑप्शन आ गया फर्स्ट और यहाँ पे यस आई एम पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यस आई एम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बनकर आपकी ईमेल आईडी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे यूट्यूब चैनल कि किस तरह से आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ओके, तो इसको तो डन कर दीजिएगा। जो भी आपका कलर मांग रहा है ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा गूगल ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको गूगल या पे यूट्यूब पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस YouTube पर क्लिक करते हो तो मैं इस पर जूम कर लेता हूँ। जैसे आप YouTube खोलेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन आपको जाना आपकी यहाँ पे पिक दिख रही होगी आपको, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आपको जाना है क्रिएट ए चैनल। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसके बाद में आपका जो भी प्रोफाइल होगी वो आपके सामने शो होगी। यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, ओके, अगर आपने कोई भी फ़ोटो लगा रखी है तो वो अपलोड कर लीजिएगा। मैं भी अपलोड नहीं करूँगा। और यहाँ पे नाम है, अगर आप नाम यही रखना चाहते हो तो यही रखिएगा, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो। तो मैं नाम भी यही रखूँगा और क्रिएटिव चैनल पर क्लिक कर दूँगा। मैं बाद में चेंज करूँगा ये सब चीज़ें। जैसे ये सब चीज़ें करते हैं तो यहाँ पे चैनल बन गया आपका। अगर आपने फ़ोटो लगाई होगी तो यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी आपकी। यहाँ पे आपने जो भी चैनल बनाया है उसका नाम आ रहा है, जैसे मैंने ई मित्र सेंटर का नाम से ये चैनल बनाया है, ओके, ये तो आपको दिखाने के लिए बनाया है। बट यहाँ पे जो भी मैं ई मित्र से रिलेटेड भी कोई वीडियो डालूंगा तो मेरे मेन चैनल पर डालूंगा। आप अगर ई मित्र से कोई भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका होम पेज आ रहा है, इस पर आपने जितने भी वीडियो डाला है वो आएगा। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं, चैनल और अबाउट, इन सब के बारे में अगला जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा आपको, ओके। तो आज के लिए इतना ही है। अगला वीडियो में जो बताऊंगा वो बताऊंगा मैं कि कैसे आप आपके जो चैनल है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर मैंने जो वीडियो है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसी के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।